नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान बुलेटिन, में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने धौलपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। मनिया इलाके में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में अवैध हथियार बना करके इनकी तस्करी की जा रही थी। एजीटी की धौलपुर जिले में ये बड़ी कार्रवाई है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अवैध हथियार बना करके इनकी तस्करी की जा रही थी, जिसका बड़ा खुलासा एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की तरफ से किया गया है। मनिया इलाके में ये अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई है। 20 अवैध हथियारों के साथ ही 32 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फैक्ट्री से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल, राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई धौलपुर जिले में हुई है, और वहीं पर मनिया इलाके में ये अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री वहां चल रही थी, जिसमें से 2 लोगों को भी एजीटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। और ये जानकारी सामने है कि एएसआई शैलेंद्र शर्मा, जो कि एजीटीएफ में शामिल है, उसका कांस्टेबल ब्रजेश शर्मा, इनकी सूचना के ऊपर इनको सूचना मिली थी कि एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री मनिया में चल रही है, जिसके बाद वहां घेराबंदी करते हुए दबिश दी गई, जिसमें भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 20 अवैध हथियार, जिसमें रिवॉल्वर वगैरह शामिल है, उसके अलावा 32 जिंदा कारतूस एजीटीएफ की टीम ने बरामद किया। तो बड़ी कार्रवाई है और इस वक्त कार्रवाई वहां पर चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु, नजर बनाए रखिए। और फिलहाल आपको बता दें कि यह बड़ी कार्रवाई है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की, जिसे लेकर के सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि मनिया इलाके में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर छापेमारी की गई और यहां से बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है। तो वहीं बीकानेर पुलिस को सफलता मिली है, मोबाइल चोर फोन गिरोह को पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से, जहां पर मोबाइल फोन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। 45 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल छीनने की 150 वारदातें कबूल की गई हैं। 15-20 बाइक चुराने की वारदातें भी इन चोरों ने कबूल की है। 3 मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। एसपी तेजस्वी गौतम ने यह बड़ा खुलासा किया है। एक के बाद एक तेजस्वी गौतम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की जा रही है गिरोहों के खिलाफ। डीएसटी और जेएनवीसी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है एसपी के निर्देश पर, और एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीकानेर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने वाहन चोरों को दर दबोचा है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो मोबाइल फोन चोर गिरोह के बताए जा रहे हैं। मोबाइल छीनने की वारदातें करते थे। करीब 150 से ज्यादा वारदातें इन्होंने करना कबूल किया है, और साथ ही साथ ये वाहन चोरी भी करता था पूरा गिरोह। तो वाहन चोर गिरोह और मोबाइल फोन स्नैचिंग गिरोह, जिसका बड़ा खुलासा बीकानेर पुलिस ने किया है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यूट्यूबर एल्विस यादव की गिरफ्तारी हुई है। यूट्यूबर एल्विस को गिरफ्तार किया गया नोएडा पुलिस की तरफ से। रेव पार्टी मामले में यह गिरफ्तारी होने की खबर मिल रही है। नोएडा पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया है, यूट्यूबर, और साथ ही साथ लगातार चर्चाओं में रहा एल्विस, अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया, कुछ ही देर में इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बिग बॉस ओटीटी का ये विनर भी रहा है, और इसी बीच यह बड़ी जानकारी है कि रेव पार्टी मामले को लेकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है। सांपों के जहर को सप्लाई करने के इस पर आरोप लगे थे। इससे पहले भी पुलिस की पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यूट्यूबर एल्विस की गिरफ्तारी हुई है। बीच अगली खबर बाड़मेर से, जहां पर एक युवती ने घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। इसके बाद परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो युवती अपने प्रेमी के साथ थाने में बयान देने पहुंची। वहीं समाज के लोगों की भीड़ जो है वो पुलिस स्टेशन पर इस दौरान उमड़ गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक और युवती एक ही समाज से आते हैं। पहले दोनों के परिवारों ने के युवक विनोद और युवती की सगाई की बात चली थी, लेकिन किसी कारणों से सगाई नहीं हुई, तो प्रेम प्रसंग इनका शुरू हो गया। इसके बाद युवती ने घर से भागकर इसी युवक से शादी कर ली। बाद में जब लोगों को पता चला, समाज के लोग भी थाने पर इकट्ठा हुए। आज से 2-3 दिन पहले एक यहाँ बाड़मेर के परिजनों ने एक बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई थी,
जिस पर बच्ची और एक लड़का दोनों खुद स्वयं यहाँ पेश हुए, जिनकी अभी पूछताछ और बयान लिए जाकर आगे में कार्रवाई की जाएगी। उधर दौसा के महुआ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बस से भारी मात्रा में चांदी जब्त की है। पुलिस की माने तो 113 किलो चांदी जब्ती की गई है, जिसकी कीमत करीब 71 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई बस आगरा से चूरू जा रही थी, और जब बस मालिक से इस बारे में पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब ये नहीं दे पाया। रात के समय टीकरी मोड़ के पास बस की जांच करते समय यह चांदी बरामद हुई है। बड़ी मात्रा में करीब 71 लाख की चांदी पुलिस ने पकड़ी है। तो वहीं जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। सुरपुरा बिजली घर में भीषण आग लगने की खबर मिली है। बिजली घर में पड़े ड्रम में दरअसल ये आग लगी। करीब 1 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर है। आपको बता दें इस वक्त की यह बड़ी खबर है, सुरपुरा बिजली घर में आग लगी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ दमकल की गाड़ियां भी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। बिजली घर में एक ड्रम पड़ा हुआ था खाली, उसमें पहले ही आग लगी और देखते ही देखते यह आग पूरे बिजली घर के एक हिस्से में फैल गई। बहरहाल जो जानकारी सामने आ रही है, अब आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए सबसे पहले किस तरीके से ये पूरी आग लगी है, जिसने पूरे इलाके में धुआं ही धुआं कर दिया है। 1 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती है और इससे आग की भीषणता का अंदाजा लगा सकते हैं। जो ड्रम आपको पड़े हुए प्लास्टिक के नजर आ रहे हैं, उसी से ये आग फैली है और इसके बाद देखते ही देखते ट्रांसफॉर्मर भी इसके चपेट में आ गए हैं और एक बड़ा हिस्सा इस बिजली घर का इस आग की चपेट में आ गया है। और अगली खबर गंगापुर सिटी से, जहां पर पुलिस ने बीते 2 साल से चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दिन रात एक मकान में संदिग्ध लोग आकर के सेक्स रैकेट की गतिविधि को अंजाम देते थे। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छापेमारी की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उधर एसीबी कोर्ट ने 18 साल पहले पीएचईडी के पाइप खरीद मामले को लेकर के झाबर सिंह खर्रा पर धोखाधड़ी के चार्ज तय किए हैं। कोर्ट ने 14 लाख से ज्यादा के घोटाले में झाबर सिंह खर्रा और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। इस मामले में 2011 में सीकर एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि झाबर सिंह खर्रा और तत्कालीन विकास अधिकारी उम्मेद सिंह राव समेत 5 अधिकारियों ने साल 2006 में मिलीभगत कर नियमों के खिलाफ अपने चहेते ठेकेदारों को सरकारी खजाने से भुगतान करवाया। इसके साथ ही चैती फर्म को नियमों के खिलाफ गलत तरीके से टेंडर भी आवंटित करवाए गए। इस भ्रष्टाचार के गंभीर मामले को लेकर के अब चार्जशीट तय हो गई है। मामले की सुनवाई एसीबी की विशेष कोर्ट संख्या 2 जयपुर में की गई है। तो यह बड़ी खबर है, झाबर सिंह खर्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा पर एसीबी ने चार्ज तय कर दिए हैं। कोर्ट में आज सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर के, यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। उधर लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी को लेकर के बड़ी खबर है। मंगलवार को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हो रही है। सीडब्ल्यूसी की आलाकमान समेत कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा कांग्रेस पार्टी का, और माना यह भी जा रहा है कि जल्दी प्रत्याशियों का ऐलान भी कांग्रेस कर सकती है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, सीडब्ल्यूसी की बैठक मंगलवार को होगी कांग्रेस की, इसमें घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज शाम उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की तीसरी सूची में कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होगा। ऐसी चर्चा है कि बड़े पैमाने पर सीटिंग सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक अपने 276 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 7 चरणों में इस बार चुनाव होंगे और इसी बीच बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर है।
बीजेपी जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है बाकी बचे हुओं का, और आज शाम तक एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ सकती है। तो कई नए चेहरों को इस बार शामिल किया जा सकता है। पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया गया था और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तीसरी लिस्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि कई नए चेहरे चुनावी समर में देखने को मिलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट आज जारी हो सकती है, ये तीसरी लिस्ट, और इसे लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं और लोगों को इंतजार भी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पार्टियों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी जी जान झोंक दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी सभी 25 की 25 सीटें जीतेगी, साथ ही देश में एनडीए की 400 से पार सीटें इस बार आएंगी और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह परवान पर हैं। हम दौसा में हैं और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बस स्टैंड पर चाय की चुस्की लेने के लिए रुके हैं, उनसे कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। सर, अब तो दौसा सीट पर तो करीब एक महीने का समय है वोट का, किस तरह का माहौल है दौसा का और पूरे राजस्थान में क्या लगता है? दौसा ही नहीं, पूरा देश में माहौल राम में है, हमारे इलाके में ईआरसीपी में है, देश में सीए और जो राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, इनका जो तोहफा देश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसकी लहर सर्वत्र देश में चल रही है। और मोदी जी जो कहते हैं अब की बार 400 पार, तो सपना देश की जनता पूरा करेगी। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो इनका परिणाम आपके अनुसार क्या हो सकता है? क्या तीसरी बार भी 25 सीटें आएंगी या फिर इस बार कम हो सकती है? जब 400 पार की बात हो रही है तो राजस्थान निश्चित रूप से मोदी जी की झोली में 25 सीट डालेगा। कारण राम में राष्ट्रवादी माहौल, और हमारा ये 13 जिले बल्कि 21 जिले मानो या ईआरसीपी का ऐसा लाइफलाइन का प्रोजेक्ट मोदी जी ने 45,000 करोड़ में सेंक्शन किया है जो 21 जिलों की प्यास को भी बुझाएगा और 2,10,000। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसओजी की दौसा में दबिश हुई है, फरार आरोपियों की तलाश में एसओजी ने दबिश दी है, यह बड़ी जानकारी। और एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में एसओजी जुटी हुई है, एक के बाद एक कार्रवाई एसओजी की तरफ से की जा रही है। और अब जानकारी यह सामने आ रही है कि फरार आरोपियों की तलाश में एसओजी ने दबिश तेज कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष शर्मा हमारे संवाददाता दौसा से फोनलाइन पर आशीष के पास रुख करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें, पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी ने दौसा में दबिश दी है, बड़ी कार्रवाई है पेपर लीक मामले को लेकर के। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर के? दौसा में एसओजी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में एसओजी की टीम दौसा पहुंची हुई है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। जो पेपर लीक प्रकरण के जो दोषी हैं उनको गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पेपर लीक प्रकरण में हर्षवर्धन का जो दोस्त था रिंकू शर्मा, जो दलाल था इस पूरे प्रकरण में, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही जो अन्य आरोपियों के जो नाम सामने आए हैं, कुछ एक लिस्ट बनाई है एसओजी ने, संदिग्ध जो कैंडिडेट है उनकी एक लिस्ट बनाई है, उनकी भी पूछताछ के लिए उनके भी हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लगातार एसओजी की टीम दौसा में दबिश दे रही है। हालांकि एसओजी के अधिकारियों का कहना है कि कुछ ही मिनट बाद में वो मीडिया को पूरी जानकारी देंगे। वर्तमान में उन्होंने इतना बताया कि दौसा में कुछ जगहों पर दबिश दी है, जो फरार चल रहे हैं पेपर लीक प्रकरण के आरोपी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी है पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी की कार्रवाई पर, जहां एसओजी अब दबिश भी लगातार तेज कर रही है।
उधर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने न्यूज 18 से कहा है कि पूरे देश में पीएम मोदी के कामों की तारीफ हो रही है। देश की जनता मोदी की हैट्रिक के लिए तैयार है। साथ ही भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देश अभिभूत है। क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए, वोट मांगने का और वोट देने का दो प्रक्रिया अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल है उसके ऊपर और आगे 5 साल जो उन्होंने रचना की घोषणा की उसके ऊपर वोट मांगेगी। लेकिन जो जनता है वो 22 जनवरी के बाद में इस मुद्दे पर आ गई है कि वो राम मंदिर और जय श्री राम के नारों के साथ उसमें उत्साह पैदा होता है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने ओटीएस निवास पर जनसुनवाई उन्होंने की है। इस दौरान कई जिलों से फरियादी ओटीएस पर पहुंचे और सीएम के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और वहां पर मौजूद अधिकारियों से उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं ओटीएस निवास पर, और मुख्यमंत्री का यह अस्थायी निवास है जहां पर बड़ी तादाद में लोग आज भी पहुंचे अपनी अपनी समस्याएं लेकर के मुख्यमंत्री के सामने। मुख्यमंत्री ने भी तमाम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को इन समस्याओं के उचित निस्तारण को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया जा रहा है। जांगीर सुथार समाज की ओर से सीएमआर पहुंच करके मुख्यमंत्री का धन्यवाद अर्पित किया गया। जांगीर सुथार समाज ने सीएम का धन्यवाद किया है। रामगोपाल सुथार को विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने पर इन लोगों ने आभार प्रकट किया है। तो जांगीर सुथार समाज सीएमआर पहुंचा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, उनको धन्यवाद दिया। विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के तो ये बात बार बार साबित होती आई है कि कितने भी मुश्किल परिस्थितियां हो लेकिन हौसले अगर ऊंचे हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। जयपुर की बेटी मोना जो दिव्यांग है, मोना ने आज देश में बड़ा नाम किया है। दिल्ली में आयोजित की गई पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में मोना अग्रवाल ने गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया को बता दिया कि उनकी टांगें उनके दौड़ने में बाधा नहीं बन सकती है। और मोना का जयपुर पहुंचने पर इस दौरान जोरदार स्वागत भी किया गया। दो साल में इस मुकाम तक पहुंची हूं, मुझे बहुत खुशी है। एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी में जो हमारे कोच हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, और उनके सपोर्ट से आज मैं इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई, उसके लिए मैं बहुत सर मैंने कई सारे स्पोर्ट्स खेले हैं और मतलब मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग लास्ट में मैंने पाया कि शूटिंग बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हमारे में अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है। तो मैंने दिसंबर 2021 में शूटिंग स्टार्ट किया था। मैं आके हमारे कोच सर हैं योगेश सर, उनसे मिली थी तो उन्होंने मेरे को शुरू से ही उस लेवल की तैयारी करवाई कि मैं आज इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंच पाई। सर देखिए, एक्चुअली चैलेंज तो काफ़ी थे, क्योंकि एक तो नॉर्मल आदमी हो एक फिर डिसेबल हो, तो काफ़ी सारी मेहनत भी लगी है। और बट ये है कि इनके पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, इनका सपोर्ट रहा, और इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की और मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, और फिर इनकी मेहनत के साथ हमने अपनी मेहनत की और ये मुकाम हासिल। उधर खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला परवान पर है और देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। रविवार की वजह से खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ उमड़ रही है। अगले 3 दिन भी नवमी, दशमी और एकादशी को लेकर के देश भर से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचेंगे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। रिंगरस से लेकर खाटू श्याम जी तक का ये पूरा इलाका श्याम भक्तों से अटा हुआ है। सीकर से खाटू श्याम जी और जयपुर से खाटू श्याम जी जाने वाले रास्तों में भी जगह जगह श्याम भक्त नजर आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में सेवादार भी यहां पर खाटू पहुंचे हुए हैं जो यहां पर पहुंचने वाले भक्तों की सेवा कर रहे हैं। खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह खाने पीने के भंडारे चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन का अनुमान है कि इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो उधर बूंदी शहर की बात करें, आराध्य देव चार भुजानाथ के यहाँ पर फागोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बूंदी से खबर है, फागोत्सव मनाते हुए भक्तगण होली के रसिया में डूबे हुए नजर आए। बूंदी जिले में फागोत्सव मनाया जा रहा है।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।